अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मजे से अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए वेजिटेबल सैंडविच की रेसिपी, विदाउट ऑयल, विदाउट कुकिंग, विदाउट बेकिंग, झटपट मिनटों में तैयार, घर पे बनाएं, बच्चे बड़े सब शौक से खाएं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल पर न्यू है तो बेल के साथ सब्सक्राइब भी कर लें, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पे मैंने गाजर और पत्ता गोभी लिए है, उनको कद्दूकश कर लिया है। एक प्याली मायोनीज ली है और एक प्याली क्रीम ली है। क्रीम हम व्हिपिंग क्रीम नहीं लेंगे जो केक पे ऐड करते हैं, बल्कि बलाई वाली क्रीम ली है जो कि डब्बा पैक मिलती है और हम व्हाइट कोरमे में भी इस्तेमाल करते हैं, इजिली अवेलेबल है ये। अब इन सबको एक बड़े बॉल में ऐड करेंगे। लीजिए जनाब, वेजिटेबल सलाद बन चुकी है। ये वाली सलाद सऊदी अरेबिया में अलबेक ब्रोस्ट के साथ मिलती है, बहुत ही महंगी मिलती है। आप लोग आसानी से घर पे तैयार कर सकते हैं और वेजिटेबल सलाद बना सकते हैं। वेजिटेबल सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ब्रेड लिए हैं। ब्रेड को दो दो तीन तीन एक साथ रख के इनके किनारों को काट देना है। अब हम सैंडविचेस तैयार करेंगे, तो ब्रेड को मैंने किनारों से काट लिया है। इसके अंदर सलाद रखेंगे और फिर ऊपर से एक ब्रेड रखेंगे और सैंडविच की शेप में इनको काट लेंगे। वेजिटेबल सैंडविच बनके तैयार हो चुके हैं, बहुत ही इजीली झटपट 5 मिनट में तैयार हो जाते हैं। बच्चों के टिफिन बॉक्स के लिए बनाएं या बड़ों के लिए बनाएं, आप लोग एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो बेल के साथ सब्सक्राइब भी कर लें, शुक्रिया। जज़ाकअल्लाह खैर। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।